क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए इस टाइम आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं, लेकिन उन सभी में से दो जो एप्लीकेशंस है बहुत ही ज्यादा फेमस हो रखे हैं जिनके थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे खासे रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। नंबर वन पे है क्रेड एप्लीकेशन, दूसरे पे है चेक एप्लीकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही एप्लीकेशन का कंपेयर करने वाले हैं कि आपके लिए इस टाइम कौन सा फायदेमंद है। वैसे तो आपके पास में कई सारे चॉइस हैं, जैसे कि आप फोन पे, पेटीएम, बजाज फिनजर्व एप्लीकेशन, मोबीक्विक, अमेजोन पे, इनसे भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। लेकिन इन एप्लीकेशंस में क्या है कि आपको एक लिमिटेड कैशबैक मिलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है अपने क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट पर कैशबैक अर्न करना चाहते हैं। इस टाइम की बात कर रहा हूं, पहले आपको ऐसा कोई भी कैशबैक वगैरह नहीं मिलता था तो लोग इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देते थे। लेकिन अभी के टाइम में आपको जब कैशबैक मिल रहा है तो लोग उसका फायदा क्यों ना ले। तो इसीलिए अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, पेटीएम, मूवी क्विक, फ्री रिचार्ज या अमेजोन पे एप्लीकेशन वगैरह का यूज करते हैं तो वहां पर महीने में एक या दो ही ऑफर आपको मिलते हैं, रेगुलर वहां पर कोई ऑफर नहीं चलता रहता है। लेकिन ये जो दो एप्लीकेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्रेडिट एप्लीकेशन और चेक एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको रेगुलर कुछ ना कुछ इनकम होती ही रहती है आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रेडिट और चेक के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर के बारे में ही। तो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं क्रेडिट एप्लीकेशन से। क्रेडिट एप्लीकेशन से आप जब कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हो तो उसके लिए आपको क्रेडिट कॉइन मिल जाते हैं, जो कि एक तरह से कहा तो यूजलेस ही है, कोई ज्यादा फायदा तो नहीं होता है क्रेडिट कॉइन्स का। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप क्रेडिट यूजर्स से पूछोगे कि आपके पास में कितने क्रेडिट कॉइन्स है तो बोलेंगे मेरे पास 4 लाख 5 लाख इतने इतने क्रेडिट कॉइन्स है, लेकिन मैं उनका यूज ही नहीं कर पाता हूं। लेकिन हाँ, उसका कहीं कहीं पर यूज हो जाता है, जैसे कि कुछ ब्रांड्स के साथ में क्रेडिट ने कोलैबोरेशन किया हुआ है जिन ब्रांड्स का वाउचर आप यहां से कलेक्ट कर सकते हो, मींस आप इंस्टेंट डिस्काउंट का ऑफर वहां से आप ले सकते हो अपने क्रेडिट कॉइन का यूज करके। लेकिन मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट पर जा रहे हो और वहां पर कोई डिस्काउंट ऑफर पहले से चल रहा है, फिर उस केस में जो आप यहां से डिस्काउंट वाला ऑफर कलेक्ट करोगे उसे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इट मींस ये वाला जो डिस्काउंट है आपके लिए यूजलेस हो गया। और आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो उस टाइम आपको 5 स्पिन भी दिए जाते हैं, जो कि आपको 3 दिनों तक दिया जाता है, यानी टोटल 3 दिनों में आपको 15 स्पिन मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आपको कुछ न कुछ एक रैंडम अमाउंट मिल जाता है, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए तक भी मिल जाते हैं। और इस ऑफर का फायदा आप महीने में 6 बार ले सकते हैं, यानी 6,000 का पेमेंट करते हो तो उसके लिए आपको 90 स्पिन मिल जाएंगे। और 90 स्पिन में अगर हम टोटल कैलकुलेट करके देखें तो 50 से 100 रुपए तक की आपकी बचत हो जाती है अगर आप क्रेडिट एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं तो। अब यहीं पर बात करते हैं हम चेक एप्लीकेशन का। तो चेक एप्लीकेशन पर आपको फ्लैट 1% का कैशबैक मिल जाता है आप जितनी बार भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हो तो। और अभी की बात करें तो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑफर चल रहा है कि आप एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का बिल अगर चेक एप्लीकेशन के थ्रू करते हो तो आपको 1.5% का कैशबैक मिल जाएगा। इसे अगर कंपेयर करके देखा जाए तो आप 6,000 का बिल पे करोगे तो आपको जो 90 रुपीज का कैशबैक है वो ऐसे ही मिल गया, अदरवाइज आपको हमेशा जो है 1% का कैशबैक मिल ही जाता है आप दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो, SBI, HDFC, ICICI बैंक वगैरह का तो। और इस एप्लीकेशन में भी एक कैपिंग है कि आप पूरे महीने में सिर्फ 4,000 चेक चिप्स ही अर्न कर सकते हो। और बात करें इनको रिडीम करने का प्रोसेस, तो यहां पर आपके पास में मल्टीपल चॉइस है जिसके थ्रू आप इन चेक चिप्स को यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे कैश के फॉर्म में रिडीम करते हैं तो आपको एक चेक चिप्स की वैल्यू जो है 25 पैसा मिल जाएगी। और कुछ यहाँ पर ब्रांड्स है जैसे कि टॉप ब्रांड्स है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह, इन पे अगर आप रिडीम करते हैं तो इनका वाउचर आप ले सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको एक चेक चिप्स की वैल्यू जो है 50 पैसा मिल जाता है। उसके अलावा इन्होंने और भी कुछ ब्रांड्स के साथ में कोलैब किया हुआ है, जैसे कि बिग बास्केट हो गया, क्रोमा हो गया, और भी कुछ ब्रांड का नाम मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इन पे अगर आप स्पेंड करते हो यानी इनका वाउचर आप कलेक्ट करते हो तो आपको 100% का वैल्यू बैक मिल जाता है, यानी जितने आपके पास में चेक चिप्स होंगे उतना ही वैल्यू आप यहां पर वाउचर ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन के साइन अप प्रोसेस के बारे में। तो साइन अप प्रोसेस जो है दोनों ही एप्लीकेशन का इजी है, आप आसानी से साइन अप प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। बस आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड का जरूरत पड़ेगा, और उसके बाद में क्रेडिट एप्लीकेशन में आपको साइन अप कंप्लीट करने के लिए आपका जो सिबिल स्कोर है 750 प्लस होना चाहिए, तब जाकर आप इस एप्लीकेशन में अपना साइन अप कंप्लीट कर सकते हैं। और बात करें चेकू एप्लीकेशन का, तो वहां पर भी आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहां पर आपको सिबिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका सिबिल 0 है तब भी आप इस एप्लीकेशन में साइन अप कंप्लीट कर सकते हैं।
और अब कंपेयर करें इसके बिल सेटलमेंट टाइमिंग का, क्योंकि इसी पर्पस के लिए हम इस एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, तो इसके बारे में तो नॉलेज होना जरूरी है। अगर हम क्रेडिट एप्लीकेशन की बात करें, यहां पर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हो तो 1 से 2 मिनट में आपके क्रेडिट कार्ड में सेटलमेंट हो जाता है, कभी कभी 15 से 20 मिनट का भी टाइम लग जाता है। और यहां पर बात करें चेक्यू एप्लीकेशन का, तो चेक्यू एप्लीकेशन में आपको कुछ क्रेडिट कार्ड में इंस्टेंटली सेटलमेंट हो जाता है और कुछ क्रेडिट कार्ड में आपको 10-10 घंटे 20-20 घंटे तक का वेट करना पड़ जाता है। तो ये स्टार्टिंग फेज में है, हो सकता है इसीलिए इतना टाइम ले रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में इसमें काफी ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं, तब आपका जो बिल सेटलमेंट होगा वो फास्ट भी हो सकता है। बट यहाँ पर अभी की बात करें तो क्रेडिट एप्लीकेशन एक बेस्ट ऑप्शन है अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए, अगर आपको इंस्टेंट सेटलमेंट करवाना है तो। अब बात कर ले इन दोनों ही एप्लीकेशन के यूजर इंटरफेस के बारे में। अगर हम क्रेडिट एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो वहां पर जो अभी का एक्सपीरियंस है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। पहले का जो यूजर इंटरफेस था बहुत ही इजी टू यूज था इनका, जो कि आपको होम पेज पर ही सब कुछ देखने को मिल जाता था, वहीं से आप अपने क्रेडिट कार्ड को ऐड कर पाते थे, उसके बाद में क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर पाते थे। लेकिन अभी जो इनका अलग अलग सेक्शन बन गया है, होम पेज पर आपको इस तरह का ऑप्शन नहीं दिखता है। जब वो बिल आपका फैच कर लेंगे तो आपको होम पेज पर दिख जाएगा कि आप बिल पे कर दीजिए, अदरवाइज आपको जो है पेवल ऑप्शन पे क्लिक करके अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना पड़ता है। और अभी जो है क्रेडिट एप्लीकेशन में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि रेंट पेमेंट, एजुकेशन पेमेंट्स, उसके अलावा रिचार्ज वगैरह का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, लोन भी प्रोवाइड आपको ये करते हैं। तो मैक्सिमम फीचर्स इसमें अवेलेबल है जिनका आप फायदा ले सकते हैं, लेकिन यूजर इंटरफेस की बात करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर हो चुका है। आपको जो है यहाँ पर बिल पेमेंट्स वगैरह करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस को सिलेक्ट करने पड़ेंगे। यहीं पर बात करें चेक्यू एप्लीकेशन का, तो चेक्यू एप्लीकेशन में अभी आपको 3 से 4 ऑप्शन ही मिलते हैं, जैसे कि होम पेज का हो गया, पे वाला ऑप्शन हो गया जहां पर आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हो, और रिवॉर्ड्स वाला ऑप्शन हो गया। तो अभी जो है चेक्यू एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आपको सब कुछ जो है बहुत ही इजिली मिल जाता है, और कुछ इसी तरह का इंटरफेस पहले क्रेडिट एप्लीकेशन का भी था। अब कंपेयर करते हैं इन एप्लीकेशन की प्राइवेसी और ट्रस्ट के बारे में, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन का यूजर्स तभी बढ़ता है जब उसके ऊपर प्राइवेसी और ट्रस्ट बढ़ता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्रेडिट एप्लीकेशन, तो क्रेडिट एप्लीकेशन में बहुत इजीली आप अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ से बिल पेमेंट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड को रिमूव करने का या डिलीट करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप यहाँ से अपने क्रेडिट कार्ड को इजीली रिमूव कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक ड्रॉबैक्स ये है कि ये जो है आपसे आपका SMS का भी परमिशन लेता है और उसके अलावा ईमेल का भी परमिशन लेता है। तो बहुत सारे ऐसे पर्संस हैं जो अपनी ईमेल का परमिशन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनके ईमेल पर बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह भी आती रहती हैं, तो इसीलिए वो अपनी ईमेल का एक्सेस नहीं देना चाहते हैं। तो इस कारण से भी बहुत सारे यूजर्स क्रेडिट एप्लीकेशन को यूज नहीं करते हैं। यहीं पर बात करें चेक्यू एप्लीकेशन का, तो चेक्यू एप्लीकेशन में आप अपने क्रेडिट कार्ड को आसानी से लिंक कर सकते हैं, लेकिन यहां से आपको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। हाँ, चेक्यू अकाउंट को डिलीट करने का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसकी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो उसे आप डिलीट कर सकते हैं। और चेक्यू एप्लीकेशन आपसे सिर्फ और सिर्फ SMS का परमिशन लेता है, ईमेल का परमिशन नहीं लेता है, यानी ईमेल को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चेक्यू जो है क्रेडिट से बेटर है, लेकिन यहां पर क्रेडिट कार्ड को रिमूव वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्रेडिट एप्लीकेशन बेहतर है। अब बात करते हैं इन दोनों ही एप्लीकेशन के ऊपर अपने ओपिनियन की, यानी कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपको ये दोनों एप्लीकेशन यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो देखिए, क्रेडिट एप्लीकेशन 2018 में लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम जो है मार्केट में इसके जैसी कोई अदर एप्लीकेशन नहीं थी, तो इसका भी इनको काफी ज्यादा एडवांटेज मिला, जिससे इनके यूजर्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए आपके पास में दूसरे भी ऑप्शंस अवेलेबल थे, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग या कोई अदर एप्लीकेशन, पेटीएम, फोन पे वगैरह, लेकिन वहां पर आपको ना रिवॉर्ड्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलता था, तो इसलिए लोग जो है क्रेडिट के ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो गए। और क्रेडिट एप्लीकेशन अभी जो है सिर्फ क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि वहां पर आपको मल्टीपल चॉइस मिल जाता है रिचार्ज करने के लिए, रेंट पेमेंट करने के लिए, एजुकेशन फी पे करने के लिए, उसके अलावा वहां पर शॉपिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहीं पर बात करें चेक्यू एप्लीकेशन का, तो चेक्यू एप्लीकेशन में अभी आप सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट के लिए ही यूज कर सकते हैं, बाकी ऑप्शंस इसमें फ्यूचर में आ सकती हैं, और ये अभी शुरुआती फेज में है, तो इसीलिए अभी यहां पर आपको कम ऑप्शन मिल रहे हैं, फ्यूचर में आपको डेफिनेटली इसमें भी कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और एक चीज का कंपेयर करना रह गया था, वो है इनका रेफरल प्रोग्राम। आपको क्रेडिट एप्लीकेशन में भी रेफरल का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको अप टू 1000 रुपीज तक का कुछ भी रैंडम अमाउंट मिल सकता है, जो कि अगर रेफरल पर मैंने 750 रुपए तक का भी अर्निंग किया हुआ है। और यहीं पर बात करें चेक्यू एप्लीकेशन का, जिसमें आपको 100 रुपए तक का ही चेक चिप्स मिलता है, आप किसी भी एक पर्सन को रेकमेंड करते हो तो, जब वो साइन अप कंप्लीट कर लेता है। सो रेफरल प्रोग्राम जो है क्रेडिट एप्लीकेशन का चेक्यू से काफी बेटर है।
तो आप करंट टाइम में कौन से एप्लीकेशन का यूज करके अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अभी तक आप इनमें से किसी एप्लीकेशन को यूज नहीं करते हैं तो उसका साइन अप प्रोसेस का ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और इन एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। मैं मिलता हूं उसे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।